मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी ही हूँ। थोड़ा सा कोल्ड लग चुका है मेरे। कल का दिन मेरा बिल्कुल भी खास नहीं था। खास था, बुआ जी आई थी कि तब अभी आई थी फिर, और मेरा रिकॉर्ड करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। कल मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि दो दिन से कोको मुझे चार चार बजे जगा रही, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और ये आपने जैसे परसों वाला ब्लॉग देखा होगा जो मैंने कल डाला था, आपने उसमें देखा था ना, मैं पर्स लेकर आ चुकी हूँ मेरा, आपने देखा था उस ब्लॉग को। तो मैं आज डालूंगी आई एम सॉरी। अब देखना मेरा कितना प्यारा पर्स था, वो कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी बात ये, आज मुझे जाने हैं, दो जगह जानी है। अब वो कहाँ कहाँ जानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कपड़े धोने मैंने डाल दिए हैं डेली की तरह, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम साफ है, धूप निकली है, तो मैं सोची तो कपड़े धो देती हूँ, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि सूर्य और गबरू भी आ जाएंगे मंडी। फिर मंडी जाने का मन नहीं कि मैं क्या करूँगी मंडी जाकर, मेरे को सब्जियाँ लेनी नहीं आती है अभी। तो गबरू भैया और सूर्य मंडी जाएंगे, मैं घर पर रह के मेरा काम से फिनिश करती हूँ, फिर मैं 11:30 बजे घर से निकल जाऊँगी। तो आप बना रहिएगा कि काजल कहाँ जा रही है, देखते रहिएगा मेरे को। ये तुलसा जी, एक मैं बुआ जी के यहाँ पर भेज रही हूँ क्योंकि बुआ जी को चाहिए था, तो आज गाड़ी निकलेगी तो सोचा ये भी भेज देती हूँ। ये जनाब जा रहे हैं शॉप पर, वो वाली दिया तुमने, ये वाली लेके जाओ। सूर्य जा चुका है, अब मैं अकेली रह गई हूँ, मैं मेरे थोड़े बहुत काम फिनिश कर लेती हूँ। और मुझे कमेंट करके गाइस जरूर बताना कि मेरा आपको कल वाला ब्लॉग कैसा लगा था, जिसमें मैं पर्स लेके आ रही हूँ। मेरा बहुत ही महंगा पर्स है वो, जिस पर्स को मैं छोड़ के भी आ गई थी, फिर मैं लेने भी गई थी। कमेंट करके जरूर बताना, मैं मेरे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सब्जी आ चुकी है, पत्ता प्याज आम मिर्ची खीरा। अरे टमाटर क्यों नहीं लेके आया अमरू भैया, टमाटर तो है ही नहीं। अब इसको मैं बोलूँगी टमाटर लेके आएगी। और आज मैं पता है किसका रायता बनाने वाली हूँ, इसका मैं रायता बनाऊँगी आज। अब ये क्या है वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस काम ख़त्म हो गए, मैं नहा ली, एकदम रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने आपको बताया था कि आज मुझे दो तीन काम करवाने हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे। पहले मैं जा रही हूँ मेरी थ्रेडिंग करवाने। यार मेरी थ्रेडिंग पता है मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते बाद वापस आ जाती है, मेरी थ्रेडिंग मुझे बहुत परेशान करती है। पहले मैं अपनी आईब्रो सेट करवा के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर कहीं और लेके चलूँगी। आज सस्पेंस ही सस्पेंस है, सब नॉर्मल काम है, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी चलो मेरे साथ जहाँ मैं चल रही हूँ, तुम भी चलो। बाय बाय, नीचे जाके मिलती हूँ। मैंने पहना है ये सूट पटियाला, मैंने ये बनवाया था अभी अपने लिए, कैसा लग रहा बताना ज़रूर। दी हमारी सीढ़ियाँ चलते हुए, ये रहा कोको। कोको ऐसे क्यों देखता है तू, पता नहीं क्यों देखता है कोको ऐसे। और ये मैं, ये मैं हूँ, और ये मेरी सीढ़ियाँ हैं, और इन पे मैं चल रही हूँ। बकवास जोक है ना, नीचे उतर के फिर दिखाती हूँ। कार में आ चुकी हूँ, बढ़ चुकी हूँ, बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है। मैंने कुछ ऑर्डर किया था मीशो से, वो भी मेरा आ चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया था मीशो से। घर के लिए मंगाया था कुछ, देखते हैं। यार मैं पल्लू में भी सुंदर लगती हूँ, नहीं खर्चीली है तो। गाइस एक बात बताओ, अपने घर को थोड़ा सा सुंदर बना देंगे तो उसमें कोई खर्चीली होता है क्या? Yes. ये हर एक पति शादी के बाद भी इतना कंजूस हो जाता है ना, पूछो मत आप लोग। जो जो शादीशुदा औरतें होंगी वो तो जानती होंगे ये सारी सच्चाई। मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने अपनी। चले पहाड़ों में गुनगुनाती रहूं मैं, जान आई लव यू, जान आई लव यू। ये जान अच्छा नहीं है, ये जान अच्छा नहीं है गाइस, दूसरी जान लेकर आएंगे। आपका पार्लर है ये वाला, सो चलते हैं। थ्रेडिंग टाइम लगेगा क्या? कितना वाली मेरी थ्रेडिंग, लेकिन देखो कितनी प्यारी बनाती है ये, एकदम शेप में आती है, एकदम परफेक्ट शेप। और मेरी थ्रेडिंग है भी वैसे अच्छी, क्या होता है। अब मैं खाऊंगी पानी पूरी, दस कुछ नहीं खिला रहा हमें, यहाँ जाने से मत कर प्लीज। अभी खाने के टाइम में पानी पूरी प्लीज, मैं उस दिन भी देखा अपन खा के गए थे, प्लीज 10 रुपए की खाऊंगी यार, ऐसे मत कर प्लीज। यहाँ बड़ी बहुत मुश्किल से पानी पूरी मिलती, वो भी नहीं खिला रहा, वही रोक लेते ना। को पानी पूरी खाती हूँ, या तो अपने हाथ जैसी नहीं होती है, लेकिन हाँ काम चल जाता है ऐसी होती है, काम चला लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत खा कर। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वाली शॉप है भैया, पानी पूरी बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी, मस्त थी। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के, मुझे डॉक्टर को दिखाना है।
दिखा रही थी। यहाँ पे डॉक्टर भी पता है एक एक बजे बैठते हो, कोई तरीका है यहाँ के डॉक्टरों का? अपने यहाँ पर 10 बजे बैठ जाते हैं, एक बजे बैठता है, एक से 3 बजे तक बैठेगी बस। गलत बात है, अगले की मर्जी यार, तुम अगले की क्या, ऐसी क्या मर्जी गाइस, इंसान तरीके से तो देखे, कम से कम देखते ही नहीं है लोग, गलत बात है। देखो बादल नीचे आ रखा है, काली काली घटा है, बारिश हो सकती है कभी भी। क्या बोलो ना, बोलो तो दिखा लिया मैंने, और डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल बताई है। ये ट्रीटमेंट मेरा 2-3 महीने पुराना था, तो मैं आज इनसे रिपोर्ट दिखाने आई थी। मेरा क्या नेचर, मैं ठीक हो जाती हूँ तो मैं दवाई छोड़ देती हूँ, फिर मैं दिखाती फिर नहीं डॉक्टर को वापस। और बट कमला को दिखाना ज़रूरी था मुझे, तो इसलिए मैंने इनको दिखा लिया। अब हम दोनों जा रहे हैं घर पर, कड़ी में पाड़ी है प्याज और आलू वगैरह, सब्जी मंडी रहते ना ये लोग, तो गर्मी आज इतनी काफ़ी है तो ये गल जाएंगे, तो हमने सोचा ना घर पर लेके चल रहे, गाड़ी भी ऊपर लगा देंगे, पर जाके दिखाते हैं हम आप लोगों को। आज पता है खाना मैंने बनाया था जान, सब्जी खाना वाना सब मैंने बनाया था, सब मैंने बनाया। आप लोगों को तो पता ही होगा, आपसे तो क्या छिपता है आजकल, मेरे को तो भूख ही नहीं आज। क्यों, तुमने गलत टाइम पे पताशे खिला दी, तो पताशे कितनी खाई थी तुमने यार, ऐसे कितनी भी क्या होता है, वो पेट भर गया हुआ अब तुम्हारे जैसे बार बार मेरा यार 4-5 पताशे खाई है इस आदमी ने, उसमें भी इतने भाव खा रहे। जिस दिन इनका मन नहीं होता ना कुछ भी चीज कराने का, उस दिन आओ पढ़ो काजल पे पढ़ो, इनका वो सीन होता है उस दिन। ये गलत बात है, ऐसे किसी आदमी को है ना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, मैं बता रही हूँ। चली जाऊंगी मैं छोड़ छाड़ के, इस आदमी को डर नहीं है मेरे छोड़ने का, मैं सच में चली जाऊंगी। तो तुमको घर जाके दिखाती हूँ, ऊपर पहुंच जाए एक बार। हम लोग चुके हैं फाइनली। मैं सामान कैसे लूंगी, गबरू को भेजती हूँ। अच्छा हाँ, मेरे 2 ऑर्डर वो भूल गई, वो मैं ले लूंगी, अपना सामान मैं इजिली ले सकती हूँ, दे दो। ठीक है खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। फोन मेरा बिल्कुल डिस हो चुका है, इसको मैं चार्ज लगा दूं पहले, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यार ये कीड़ा कितना गंदा है, कहाँ से आया है कीड़ा, देखो रुके जग गई हूँ। सोई तो नहीं खैर मैं इतनी, बट हाँ थोड़ा बहुत मेरा हो गया कि हाँ मेरा रेस्ट हो गया। देखो तो मौसम दिखाती हूँ, मौसम कैसा, ऐसा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा वेदर लग रहा है ना देखो एकदम। ये जो पर्दा देख रहे हैं ना आप, इस वाली खिड़की पर जहाँ पर मैंने ये मेकअप का सामान रख रखा है अपना, तो इसके लिए है ना मैंने ये वाला मंगवाया है, देखो ये नेट में, क्योंकि ये रूम के पर्दे भी रेड वाले हैं तो इसमें ये अच्छा लगेगा। तो जब ये लग जाएगा मैं आपको ये तब दिखाऊंगी, मैंने कि ये अच्छा रहेगा। मैं ग्रीन टीपी के भाभी के पास जाती हूँ, और गाइस देखो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं आप ये सोचते हो कि ये इसका एक ही कंटेंट पे ब्लॉग आता है कि सारा दिन घर में क्या किया क्या नहीं किया, तो देखो यहाँ पे जो छोटा जो जो चीज़ें हैं मैं आपको वो तो एक्सप्लोर करा ही रही हूँ, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मॉल्स नहीं है, यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, थिएटर्स नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। काफ़ी बार तो पता है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, मेरी खुद की सांस फूल जाती है काफ़ी बार। सो देखो जो जो होता है मैं आपको दिखाती चलती हूँ, बाकी अभी मैं आपको बहुत जल्दी अपना होम टूर दूंगी, कैसा है कैसा नहीं है आप बताना मुझे कमेंट करके, पहले कैसा था और अभी कैसा है वो सारी बताना आप मुझे लोग, ठीक है। और मैं एक दिन वापस सोच रही हूँ कि मैं वापस से किसी दिन फिर सूरी पर प्रैंक करूँ, और सूरी मेरी वीडियोस नहीं देखता, वो बिजी रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन वापस सूरी पर प्रैंक करूँ, क्योंकि लास्ट वाला तो मेरा उसने भी ख़राब करवा दिया था दीपू ने, है ना। सो मैं सूरी पे प्लान कर रही हूँ अगर हो जाए तो ऐसा, बाकी तो आप लोग बता ही देना मेरे को इंस्टा पर कमेंट कर करके कि क्या है क्या नहीं है, कैसा कंटेंट डालूँ क्या नहीं, ठीक है। अब जुड़े रहिए, मैं भाभी के घर जाके मैसेज करती हूँ, मैं बार बार ये बोल जाती हूँ घर जाके मैसेज करती हूँ, मैं भाभी के पास जाके आपको दिखाती हूँ कि भाभी क्या कर रही है, हम कमा क्या बातें हैं क्या नहीं है, ठीक है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी तक अमरू भैया घर पर है नहीं है, तो फिर वेट करना पड़ेगा वरना मैं भाभी की चली जाती। और गाइस देखो आज मैंने काजल लगाया है, मुझे बताना प्लीज़ कि मेरी आंखों में काजल कैसा लगता है,
मुझे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं लगाती हूँ, आपने बहुत कम देखा होगा लाइनर और काजल मैं नहीं लगाती हूँ, आज मैंने लगा लिया ऐसे ही। सो अमरू भैया का वेट करती हूँ, अगर अमरू भैया टाइम से आएगा तो मैं भी चली जाऊँगी, अभी एक डेढ़ घंटे का टाइम है मेरे पास बैठने का, मैं एक डेढ़ घंटे बैठ सकती हूँ। और भाभी का घर बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं ये जा रही थी लोअर और टी शर्ट, ये पहन के जा रही थी मैं, आज मैंने बिछे भी पहने हैं। पूरा दिन निकल गया, कोको ने खाना नहीं खाया, मैंने इसके आलू निकाल के इसका डॉग फूड भी रख दिया, ये डॉग फूड भी नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। और उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन मैंने देखो काफ़ी सारी मिर्ची तोड़ी थी अपनी खेती में से, अब देखो हमारे यहाँ पर लौकी भी लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। एक ये रहा देखो, एक दो और यहाँ पे और था एक, हाँ एक ये रहा तीन। भाई अमरू भैया आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ गीता भाभी के, सुनो भैया मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ भाभी के पास, गायत्री भाभी भी आ रखी है वहाँ पर, मैं गायत्री भाभी गीता भाभी आज हम फिर बैठेंगे यार। तो कुछ भी को ब्लैक शर्ट टी शर्ट अच्छी लगती है मेरे पर, और जब मैं अनमेरिड थी ना, मैं बैचलर थी तो मैं बहुत ब्लैक पहना करती थी बहुत, मैं सारे कपड़े मेरे ब्लैक ही हुआ करते थे, मैं कभी भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सिर्फ ब्लैक और थोड़ा बहुत वाइट। अब देखो थोड़ा सा चली हूँ मैं, सांस फूलने लग गई है, पर यह दिक्कत है। व्यू है, व्यू कितने मस्त मस्त है यहाँ पे, ये बात अच्छी है। भाभी के घर पहुँच जाओ, फिर पहुँच के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। थक गया यार मैं, ये पहाड़ी ला के मैंने सांस फूलती है ना तो जल्दी थक जाते हैं, और तो कुछ नहीं है बात। ये घर मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये घर, में देखो गाइस कैसे हो रखे हैं। मैं घर जा रही हूँ फाइनली, 7 बज गए, फिर लेट हो गई आज मैं, मेरे घर जा रही हूँ, रात हो गई, लेट हो गए, और घर जाके दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आ गई मैं मेरा घर, फाइनली घर आ चुकी हूँ, कर लेती हूँ घर पर आ गई, और ये गेम खेल रहे हैं अपना, मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करके खाने में खीरे की सब्जी बन रही है, घर में आती कोल्ड सा लगे एकदम से, फिर छीके आई है ना, पूजा वूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं दीपक जलाने गई थी, भी पता चला कि इन्होंने दीपक जला दिया है ऑलरेडी, तो मैं तो क्या ही करूँ जला कर। अब थैंक यू सो मच वैसे, एक काम करो वो पानी पिला, क्या पानी पिला दो यार, इतना मतलब ही आदमी है ना, इसमें पहले कैन डालो फिर पानी पिलेगा आपको, थोड़ा सा पिलाओ।